अब वक्त है अरे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का, और आज का नंबर है 17 लाख करोड़ रुपए, जिसका रिश्ता किसानों के एमएसपी गारंटी वाली मांग से है। एक अनुमान के मुताबिक अगर सरकार ने 23 फसलों के एमएसपी पर खरीद की तो सरकार को अपने बजट का 50% हिस्सा सिर्फ इसी मद में खर्च करना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि एमएसपी का असल अंकगणित है क्या? मनमोहन सरकार ने अपने 10 साल में किसानों को एमएसपी के तौर पर कितने रुपए दिए और बीते 10 साल में मोदी सरकार ने इस मद में किसानों को कितने रुपए दिए? देखिए एमएसपी का पूरा अंकगणित। आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। कठिनाई पैदा करना मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना है और फिर से किसानों के ऊपर आंसू गैस के बम गोले छोड़े जा रहे हैं। दिखा रहे हैं। जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है। किस अधिकार से और कौन से कानून के तहत आपने सड़कें बंद कर रखी हैं? दस सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं। पंजाब से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों की तरफ से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की जोर आजमाइश जारी है, लेकिन हरियाणा पुलिस भी इन किसानों को किसी कीमत पर शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने देने की कोशिश में जुटी है। पुलिस निगरानी के लिए ड्रोन उड़ा रही है तो प्रदर्शनकारी किसान उन्हें नाकाम करने के लिए पतंगबाजी कर रहे हैं। आलम ये कि पुलिस पर 20 साबित होने के लिए किसान भी देसी हथियारों से लैस है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर ही नहीं पंजाब से वाया हरियाणा दिल्ली जाने वाले सारे रास्तों को सील कर दिया है ताकि किसानों का एक भी ट्रैक्टर देश की राजधानी तक पहुंचने में कामयाब ना हो सके। इधर दिल्ली में भी तैयारी जबरदस्त है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि अब की बार आंदोलनकारियों का देश की राजधानी में स्वागत हरगिज नहीं होगा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो स्वागत बोर्ड एनएचएआई के द्वारा लगाया गया था अब उसे उतारा जा रहा है। इस पर लिखा हुआ था दिल्ली में आपका स्वागत है और दिल्ली की तरफ से लिखा हुआ था आपका पुनः आगमन प्रार्थनीय है, लेकिन अब इस बोर्ड को हटा दिया गया। हालांकि इसके पीछे सुरक्षा कारण भी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब भारी भीड़ आएगी और उग्र भीड़ आएगी तो उसे तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और पैलेट गन जब चलाए जाएंगे तो इसमें टकराकर रुक सकते हैं और उस अवरोध को खत्म करने के लिए इस बोर्ड को हटाया जा रहा है। जाहिर है एक तरफ पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी इन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। अब तो हालात ये हैं, इसे लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकार भी आमने सामने है। पर किसानों को दिल्ली जाने रोकना सच ये बहुत गलत बात है। दिल्ली हमारी राजधानी है, हम देश की राजधानी में जाके किसान अपनी बात रखनी चाहते तो जो हरियाणा सरकार कर रही है इस वेले सर कर तो वो दिल्ली केंद्र के इशारे पे कर रही है। दिल्ली जाके बातचीत करनी है, वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की, इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो, आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए। गिरा, 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 गिरा।
शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के संघर्ष में दोनों तरफ से कई लोग जख्मी हो चुके हैं। इसे लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकार में सियासी टकराव चरम पर है। होना लाजमी भी है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की। पंजाब और हरियाणा की सरकार में सियासी वार पलटवार से इतर केंद्र सरकार पूरी तरह सक्रिय है। किसान आंदोलन को खत्म करने और शंभू बॉर्डर से ही किसानों को लौटाने की खातिर तीसरे दौर की बातचीत की भी तारीख तय हो चुकी है। अब की बार मोर्चा खुद राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने संभाला है। कुल मिलाकर आंदोलन का केंद्र बिंदु न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP है। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूँ कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। अब सवाल ये कि MSP का अंक गणित है क्या? एक अनुमान के मुताबिक अगर 23 फसलों पर MSP की गारंटी का कानून बना तो इस पर करीब 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो देश के सालाना बजट का 50% तक जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अनुमान भी करीब 3 साल पुराना है। MSP की गारंटी कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की सिफारिशों में शामिल है, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। क्या MSP की गारंटी को कानून की शक्ल देना मुमकिन है? इसे लेकर कृषि के जानकार क्या कहते हैं आपको बताएंगे। अभी आप बीते 10 साल में MSP पर मोदी सरकार के खर्च का अंकगणित देखिए। 31 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुताबिक मोदी सरकार ने 2014 से 2024 के बीच किसानों को MSP के तौर पर 18 लाख करोड़ रुपए दिए, जबकि मनमोहन सरकार में 2004 से 2014 के दौरान इसी मद में किसानों को 7.2 लाख करोड़ रुपए मिले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल 1 जुलाई को 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस के दौरान खेती किसानी पर अपनी सरकार के खर्च का पूरा अंकगणित बताया था। हिसाब लगाएं तो हर वर्ष केंद्र सरकार आज 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है, जिसका मतलब है कि प्रति वर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50,000 रुपये किसी न किसी रूप में उसे पहुंचा रही है। मोदी सरकार के मुताबिक बीते 10 साल में किसान के हित में ऐसी 27 योजनाएं शुरू की गई जिनसे किसानों की न सिर्फ कमाई बढ़ी है बल्कि उनका कायाकल्प हो गया है। साथियों, दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों केमिकल्स का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसकी भी गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है। कुल मिलाकर अगर देखें तो बीते 9 वर्षों में सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, सिर्फ सब्सिडी फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं, भाजपा सरकार ने 10 लाख करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर की यह तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। जिस MSP के लिए पंजाब के किसान आंदोलन पर उतर आए हैं उसका मनमोहन और मोदी सरकार में अंकगणित क्या रहा है आपको दिखाएंगे। अभी आपको शंभू बॉर्डर की सबसे नई तस्वीर दिखाते हैं। जरा देखिए प्रदर्शनकारी किसानों के बीच क्या बांटा जा रहा है, ये चश्मे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग ऐसी अभेद है कि पंजाब के किसान उसे पार करने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है, जिसे रोकने के लिए हरियाणा पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं। अब आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के बीच चश्मे बांट रहे हैं। अब जरा दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर का हाल देखिए।
जहां शंभू बॉर्डर पर किसानों के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। शंभू बॉर्डर से इनपुट आना शुरू है कि वहां पर किसानों का एग्रेशन बढ़ रहा है, पथराव कर रहे हैं और लोग बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा कर रहे हैं। उसके बाद इसको और हैवी बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से, अगर ट्रैक्टर से तो कम से कम इसको नहीं हिला सकते, और क्रेन से भी, एक बार अगर इन कंटेनर्स में मिट्टी भर दी जाती है तो क्रेन से भी इनको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। ये एंटीरॉयड व्हीकल देखिए, तमाम बैरिकेडिंग के बीच में एंटीरॉयड व्हीकल यहाँ पर आपको लगी हुई दिखाई देगी, यानी कि सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ रोकने का काम नहीं होगा, अगर एग्रेशन आगे की तरफ से होता है तो पुलिस की तरफ से, सुरक्षाकर्मियों की तरफ से एक्शन भी होगा। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर का हाल भी सिंघू बॉर्डर के जैसा ही है। इस रास्ते से आंदोलनकारी किसान दाखिल ना हो सके, इसके लिए करीब 12 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। इस वक्त हम मौजूद है टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। हथियारों से लैस यहां पर आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। ये पहले लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। दूसरे लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो आपको ठीक मेरे सामने यहां पर सीमेंट का बैरिगेट लगा हुआ नजर आएगा। ये तीसरे लेयर की सुरक्षा व्यवस्था हम आपको दिखाएं तो करीब 6 फुट का आपको सीमेंट का बैरिगेट नजर आएगा। चौथे लेयर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर एक और लोहे का बैरिगेट नजर आएगा जिस पर कटीली तारें लगी हुई है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता हो चुकी है। फिलहाल फ्लाईओवर से आवाजाही जारी है, लेकिन नीचे का रास्ता पूरी तरह बंद है। गोले चल रहे हैं। फिलहाल इस आंदोलन में पंजाब के चुनिंदा किसान संगठन ही शामिल है, लेकिन अब दूसरे संगठन भी मुखर होने लगे हैं। पंजाब के जालंधर में मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को भारत बंद का भी ऐलान किया है। सत्तर सरकार और मोदी सरकार ने मिलके जो दमन किया है, ये जो जुल्म हुआ है, इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब ने फैसला किया है कि वह कल 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरे पंजाब में सारे टोल प्लाजा जो हैं उनको फ्री करेंगे। अब तक इस आंदोलन से दूर यूपी के किसान संगठन भी तेवर दिखाने लगे। किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी नहीं मत करें उनके साथ में, वो बैठेगा या तो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा बगैर बातचीत के, समाधान के, वो वापसी जाएगा ही नहीं। जाहिर है माहौल चुनावी है, ऐसे में विपक्षी दलों के लिए मौका बेहतर है, लिहाजा वो किसान आंदोलन को भुनाने में कोई कोताही भी नहीं बरत रहे। इस तरह सरकार का व्यवहार है, कीले लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीजों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के किसानों की मांग के पक्ष में बयान के बाद कांग्रेस भी एमएसपी के मुद्दे पर जबरदस्त एक्टिव है। देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी जब एक राज्य में 3100 देने की घोषणा की है और बजट में भी शामिल किया, भले मिला नहीं मिला अलग बात है। आज कांग्रेस भले ही किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी की वकालत कर रही है, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान उसका क्या रुख था उसे भी देखिए। 16 अप्रैल 2010 को बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में सवाल पूछा कि क्या सरकार ने किसानों को भुगतान किए जाने वाले लाभकारी मूल्यों की गणना के संबंध में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, अगर हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और अगर नहीं तो इसके क्या कारण है। इसके जवाब में तब के कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में किसानों पर बने राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशें मिली हैं। इनमें कहा गया कि फसलों पर लगी किसान की कुल लागत से 1.5 गुना अधिक एमएसपी दी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने उनकी इन सिफारिशों को नहीं स्वीकार किया,
अगर इन्हें लागू किया जाएगा तो इससे बाजार पर बुरा असर पड़ेगा, इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कुछ मामलों में एमएसपी और फसलों के उत्पादन लागत को जोड़कर देखना गलत होगा, इससे बाजार पर सही असर नहीं होगा। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानूनन गारंटी वाली बात को अपने चुनावी मुद्दों में शामिल तो कर लिया है, साथ ही कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद भी है कि आने वाले चुनावों के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो इसको कानून बनाकर लागू करने का काम भी करेंगे। लेकिन एक सत्य ये भी है कि 2006 में जब यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी उसकी भागीदार थी, उस वक्त स्वामीनाथन आयोग कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार लागू करने में विफल हो गई थी। बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने एमएसपी पर क्या किया, उसे देखना भी जरूरी है। केंद्र सरकार के मुताबिक मनमोहन सरकार के दौरान 2013-14 में मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2950 रुपए प्रति क्विंटल था, जो मोदी सरकार के दौरान 2023-24 में 6425 रुपए कर दिया गया, यानी मसूर के एमएसपी पर 118% की बढ़ोतरी की गई। मनमोहन सरकार के आखिरी साल में धान का एमएसपी 1310 रुपए प्रति क्विंटल था, जो मोदी सरकार के दौरान 2023-24 में 2183 रुपए कर दिया गया, यानी 67% का इजाफा। 2013-14 में गेहूं का एमएसपी 1350 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2023-24 में 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, यानी 68.5% बढ़ोतरी। 2013-14 में बाजरा का एमएसपी 1250 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2023-24 में 2500 रुपए कर दिया गया, यानी 10 साल में 100% इजाफा। 2013-14 में मक्के का एमएसपी 1310 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2023-24 में 2090 रुपए हो गया, यानी 10 साल में 59.5% बढ़ोतरी। मनमोहन सरकार के आखिरी साल में चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल था, जो मोदी सरकार के आखिरी साल में 5230 रुपए तक पहुंच गया, यानी 69% का इजाफा। 2013-14 में ज्वार का एमएसपी 1500 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2023-24 में 3180 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, यानी 112% का इजाफा। यूपीए सरकार के अंतिम साल में रागी का एमएसपी 1500 रुपए प्रति क्विंटल था, जो मौजूदा एनडीए सरकार के आखिरी साल में 3846 रुपए तक पहुंच गया, यानी 156% की बढ़ोतरी। अब सवाल ये कि क्या सचमुच एमएसपी को कानूनी शक्ल नहीं दिया जा सकता, इसे लेकर खेती किसानी के जानकार क्या कहते हैं, उसे भी सुन लीजिए। जब आप गारंटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास मार्केटेबल सरप्लस होना चाहिए। मार्केटेबल सरप्लस किसके पास है? बड़े किसान के पास। छोटा तो बेचारा उगाता है और खुद खा लेता है, थोड़ा बहुत जानवर को खिला देता है। तो कुल मिला के ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है इन द नेम ऑफ मैंडेटरी एमएसपी, ये बड़े किसान टैक्स पेयर के पैसे से अपनी जेब भरना चाहते हैं।